नाजरीन आदाब जैसा आपके आप जानते हैं कि हम उर्दू नामे के तहत हमने कई मुख्तलिफ़ शबाद से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को मुतारफ़ करवाया है आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख़्स से जो एक अच्छा एंकर है जो एक अच्छा मुखर है कई सियासी जमातों से वाबस्ता रहने के बावजूद शोब सहाफ़त से वाबस्ता है कई तहरीकों से वाबस्ता रहे और उर्दू रोज़नामा अतमाद के शरीक मुदीर हैं मेरी मुराद जनाब अजीज़ अहमद साहब से है अजीज़ अहमद साहब उर्दू नामे में आपका इस्तबाल है सबसे पहले ये बताइए अजीज़ अहमद साहब कि आपने शोबत को ही क्यों चुना मैं आपका सबसे पहले मशहूर हूँ ममनून हूँ कि आपने मुझे आज गुफ्तु के लिए मंतख किया जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि सहाफत यूँ समझिए कि बचपन से क्योंकि मेरा ज़रिए तलीम उर्दू रहा है और बचपन से अखबार के मुताले का मुझे शौक़ रहा मैं समझता हूँ कि अभी कि मेरे भाई बड़े भाई वालदा वगैरह अभी बेदार नहीं होते थे जब अखबार आता था सबसे पहले मैं उसका मताल करता था अखबार में जब पढ़ता था और दुनिया के मख्तलफ ममालिक जो वाक़ हैं में दिलचस्पी थी मैं देखता था कि दुनिया में क्या हो रहा है उस जमाने में मेरे को याद है कि पहली मरतबे चाँद पर जाने का भी मसला जो ख़ास तौर पर मैं अखबार का मतलब करता था और अखबार में जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आती थी उस तस्वीर को कट करके जमा करता था ऐसे कई वाकत जो मेरी दिलचस्पी मौजूद थे मैं काट के उसको जो है अपनी किताबों में अपनी कापियों में उसको थोड़ा सा चश्मा कर देता था इंटरमीडिएट के बाद कि उस वक्त हैदराबाद में उर्दू तहरीक का बहुत चलन था लोग एहतजाज सड़कों पे आए थे हंगामा चल रहा था तलबा नौजवानों की कमेटी भी कायम हुई थी उर्दू के मशहूर शायर मखदूम महुद्दीन साहब के फ़र्जंद नुसरत महीद्दीन साहब वो उसके सदर थे खुदू साहब एडोकेट थे के एम आरिफुद्दीन थे अफजलुद्दीन थे फत पंडित फ़स्र उरहान थे ये लोग थे जो बता जलील पाशा बहुत एक्टिव थे उस जमाने में और बैसर कॉटर्स उर्दू तहरीक का मरकज था और वहीं जो है सबसे बड़ी बात भारत न्यूज़ एजेंसी थी तो उस जमाने में भारत न्यूज़ एजेंसी अखबार के अंदर बड़ा हंगामा था कि जितनी भी ख़बरें आती थी आमतौर पे एजेंसियों के थ्रू आती थी तो उस जमाने में जो ख़बरें जाती थी तो उसके नीचे बैचलर कॉटेज के नीचे हमेशा हैं वो कैंप मनद होते थे तो हम कैंप में हम भी जाते थे वैसे मैं भारत न्यूज़ में जाता था तो उर्दू के उस वक्त के मशहूर साहबी जनाब एजाज वरीशाल मरहूम वो आमतौर पर हम से जो उर्दू के नौजवान होते थे बुलाते थे वो लिखवाते थे ख़बरें तो हम खबरें लिखते थे लिखते लिखते जो शौक़ मुझे पैदा हुआ तो उसके बाद इंफॉर्मेशन से उस ज़माने में मुख्तलिफ मख्तलफ़ानों के अंदर तेलगु इंग्लिश उर्दू के अंदर उसका जो है आ, मैं समझता हूँ प्रेस नोट्स आया करते थे तो मुख्तलिफ उज़रा के दौरे जो अजला में होते थे और मख्तल कमेटियों के अजलास हो जो होते थे वो ख़बरें आती थी तो वो ख़बरें उर्दू में भी आती थी सब आती थी लेकिन एजाज कशी साहब हमेशा बड़ी दिलचस्पी के अंग्रेज़ी से तर्जुमा कराते थे कि ये करिए उर्दू के अंदर उसके अंदर अल्फाज बिल्कुल सही नहीं रहते आप ये करिए डॉट कहाँ लगाना चाहिए फुल स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए कामा कहाँ लगाना चाहिए उर्दू मैं समझता हूँ कि पहली मरतबे मेरी तरबियत जो हुई वहीं से शुरू हुई जैसा अभी आपने कहा कि उर्दू अखबार में गाड़ी उर्दू लिखी जाए जी हाँ जी हाँ जी तो अब मौजूदा दौर में ये जो है थोड़ा सा कम हो गया है जी। और हम कुछ अल्फाज जो है अभी भी गाढ़े अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये हमारे हक में बेहतर है क्या हम कुछ और जबानों के अल्फाज भी हम इसमें अगर उर्दू के साथ साथ उर्दू के अखबार में हम इस्तेमाल करें तो क्या ये ठीक रहेगा साहब पहली बात तो ये कि उर्दू जबानी लश्करी जबान है मख्तलिफ़ानों से मिल के ज़बान बनी हिंदुस्तानी ज़बान है इसके अंदर सही है कि मख्तलिबानों के, के अलफा अभी भी मौजूद है। हैं और उर्दू के कई अलफाज हैं जूसरी जबानों में इस्तेमाल होते हैं सवाल ये पैदा होता कि पहले जो उर्दू इस्तेमाल होती थी फ़ारसी का जो असर था उर्दू ज़बान के ऊपर और जो अफाज इस्तेमाल होते थे सही है बिल्कुल शकील अलफा इस्तेमाल होते थे अब मगर यह है कि किसी भी जबान में होने दीजिए अंग्रेज़ी हो तेल वो तेलगु हो उर्दू हो अब वही चीज़ हर आदमी ये चाहता कि आम जबान के अंदर कोई चीज़ तहरीर हो या गुफ्तु हो तो समझने में बड़ी सहूलत होती आसानी होती और होता ये था कि अब आप देख रहे हैं कि पहले जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे उर्दू अखबार में तो बहुत ज़्यादा शखिल थे होना भी चाहिए कि ज़ुबान को आम फेहम बनाना चाहिए कि कोई भी पढ़े किसी भी ज़बान का ख़ारी पढ़े तो उसको सहूलत हो पढ़ने के लिए और मैं समझता हूँ अब मैं समझ रहा हूँ कि हर अदीब शायर यही समझता कि भाई आम फाहम अंदाज में तहरीर हो शायरी हो अजय अदबी शायर पारे भी जो हैं मैं समझता हूँ आम जबान के अंदर आपने जब सहाफ़ती मैदान में ख़दम रखा तो उस वक्त कौन से सहाफ़ी जो उस वक्त मशहूर थे मेरे ख़्याल से पैंतालीस सैंतालीस साल मैं समझता हूँ सहाफत के मैदान में मुझे ख़दम रखे हुए कि भारत न्यूज़ के बाद उस ज़माने में मैं बताऊँ एक अखबार आया था नवीद दखन वहीं से मैं शुरू किया अखबार की दुनिया में नवीद दखन के बाद दो छोटे अखबार भी थे शायद अब लोगों को वाकिफ नहीं है एक कोनाब हुआ करता था एक अगबात कोनाब के एडिटर जी एम थे अगबाद के एडिटर उनका नाम उस ज़माने में शेख नाम था बाद में उन्होंने अपना नाम बदल के गफ़राने मसाफ़ करें तो वो रहा उसके बाद में फिर रानुआ दखन ज्वाइन करा राहन दखन के बाद होते हुए फिर मैं ब्लेड से अतमाद समझिया तो मैं देखा उस ज़माने में जो साफी थी और मेरे को उम्र रसीदा लोगों से मिलने का तजुबेकार लोगों से मिलने का बड़ा शौक़ था मैं उनकी सलाहियतों से आ, उनकी काबिलियत से फ़ायदा उठाना चाहता था मैं और हमेशा कोशिश रही मैं हमेशा किसी से गुफगू करूँ तो कुछ हासिल करूँ तो उस ज़माने में मेरे को याद है अच्छी तरह से हम देखते थे नवी दखन में पहली मरते मेरा सबका हसनुद्दीन उस्मानी साहब से पढ़ा था अच्छा जैद सही फ़नगार थे और उर्दू बड़ी सखी लिखते थे लेकिन ऐसी उर्दू लिखते थे ऐसा मालूम था कि बस रवानी है कि चली जा रही है पढ़ने भी मज़ा आता था पूरी तरह से आप उसके बाद बत बताऊँ आप जिन लोगों से मेरा सबका पढ़ा जिन से मैं ताल्लुक़ भी हुआ अगर मैं उनके काम भी नहीं उनके साथ काम नहीं करा तब भी मैं समझता हूँ उनसे मैं बहुत ज़्यादा इस्तीफादा करा सबसे पहले एजाज़ रीशी साहब मैं एजाज रीशी साहब के बारे में बताऊँगा आपको कि बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि चलती फिरती जो मैं समझता हूँ डायरेक्ट थी सहाफ़त की कि उनके हाथ में हमेशा हिंदू अखबार रहता था उर्दू एजेंसी चलाते थे अंग्रेज़ी अखबार नहीं बाबा ऑथेंटिक खबरें आती इसके अंदर पढ़ना बोल के उसके बाद आप देखेंगे आप, आप उनका जो कलम चलता था मेरे को हैरत है स्पोर्ट्स के मैदान में भी अदब के मैदान में भी साइंस के मैदान में भी फिल्म के मैदान में भी तो और कई भारत न्यूज़ में बैठते थे वो मगर कई छोटे अखबार के लिए और एक उस ज़माने में फ़िल्मी तस्वीर मैगजीन आता था उसके लिए भी वो काम करते थे स्पोर्ट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो आप तो वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से न्यारंग प्रोग्राम होते थे तबसरे आते थे उस ज़माने में तो उनके तबसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी आते थे फिल्मी दुनिया के ऊपर भी आप देखेंगे पूरी अदब मुशायरे होते थे मेरे को याद है अच्छी तरह अदबी ट्रस्ट के जो मशारे होते थे मख्तलि जो आपके नुमाइश मैदान के ऊपर तो अखबार जो हैं एजाज़ कैशी साहब की रिपोर्टिंग का इंतज़ार करते थे उन मुशायर को जिस अंदाज से उन बताते थे किस तरह का मुशारा हुआ कैसे लोग उसको किए तो वो जो मामला मिला हैं तो उनसे बड़ा इस्तीफ़ादा करा मैं उनसे अब उसके बाद वहाँ जो आते थे चंद्र श्रीवास्तव साहब भी रहते थे वो भी रहते थे फिर उसके बाद में जो है माँ खसरू साहब नवीद दखन में उन उनसे भी मेरी मुलाकात थी उनसे भी बातचीत होती थी मेरी पहली मरतबे मैं खालिद खादरी साहब शौकत अली ख़ान ये गुरु नौजवानों का पहली मरतबे नवीद में मिला था समझिए उसके बाद रहन दखन में मेरे को और सीनियर जो साहफ़ी उनसे मिलने का मौका मिला जिसमें अब्दुल खादर जीलानी साहब थे ज़ियाद्दीन साहब थे ज़ियाउल्लाह साहब बेचारे वो बेहतरीन सीनियर जर्नलिस्ट थे और उनके बाद हबीब मोहसिन साहब थे बदाम रफ़ी साहब नावल वगैरह लिखा करते थे मगर तर्जुमा इतना शानदार तर्जुमा करते थे कि बस एक मरतबे अगर कलम रख दिए तो उनका जो मामला था कि बस आखिरी जुमले तक कलम चलता था उनका वो थे गज़न फरली साहब उस ज़माने में काम करते थे वहाँ उस ज़माने में जो है आब्दीक़ी साहब भी जब टी वी से नहीं हुए थे जो वहाँ थे पहली मरते भी। तो जिन लोगों से मेरे हाँ पढ़ा जिनसे मुलाकात हुई उस ज़माने में हमारे साथ बेचारे जो है खुर्रम नफीस वगैरह ही थे तो ने शुदा तली शजी वगैरह भी जो है वहाँ काम कर रही रहन दखन में तो, तो क्राइम रिपोर्ट, रिपोर्ट जो थे बेचारे उस ज़माने से तो इन लोगों के साथ रहना पड़ा मैं सियासत में थोड़ा सा अर्था काम करा मैं कॉलेज में था मगर ये था कि घर में इजाज़त नहीं देते थे कि रात में मैं कहीं दूसरे काम करूँ बाहर रहूँ अब हम सियासत में एक महीना काम कर दीगर साहब लेके भी अब काम काम करने लगा मैं शुरू करा हाशम सईद साहब वगैरह वगैरह आप उसके अंदर जहाँ अली बेग साहब थे आरिफी साहब थे ये लोग थे ऐसन अली मिर्ज़ा साहब थे सब पूरे लोग थे इन लोगों के साथ मगर ये हुआ कि मैं रात में नहीं रह सकता था मेरी रात में ड्यूटी पड़ी तो मैं छोड़ दिया समझी उसके बाद तो वहाँ उन लोगों को देखा फिर मगर उन लोगों से ताल्लुक़ रहा पूरी तरह से मुख्तल लोगों से और वहाँ मेरे को जिगर साहब काम करते हुए देखने का मौला मैं नहीं समझता ऐसा कोई आदमी जो सहाफत के लिए अपने आप को वफ़ कर दे उर्दू सहाफ़त के मैदान में अभी कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता मेरे को बुरी तरह वाकई ऐसा मालूम था कि हर चीज़ उनके लिए थी और वह बिल्कुल डिसिप्लिन के आदमी थे समझिए पूरी तरह देखते थे कब उठना कब बैठना कौन सा यानी सफ़ा कब जाना चाहिए कौन सी खबर कौन से सफ़े पे आने चाहिए कौन सी ख़बर आनी चाहिए कौन सी खबर नहीं आनी चाहिए ये बहुत बड़ी बात थी और फिर अदब के मामले में ज़िंदगी के हर शोबे अपने अखबार में उन्होंने जो है मौका देते थे बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।, है मेरे को अच्छी तरह याद है कि सालार के एडिटर एक मरतबे हैदराबाद आए थे तकरीर कर रहे थे तकरीर करते वो इजलास में भी थे जिगर साहब भी थे तो बताए कि मौजूदा दौर में उर्दू अखबार निकालना आसान नहीं है इसके लिए जिगर चाहिए जिगर वाले तो दो दो जो मानी थे जिगर चाहिए जिगर साहब चाहिए बस तो इसी तरह मैं समझता हूँ इन लोगों से के साथ काम करने का देखने का इनको जो मौक़ा मिला उसके बाद मैं समझता हूँ मिलाप में बहुत सारे लोग थे आपको वलील बखारी साहब थे और आप देखे थे वसीम अख्तर साहब थे रशीद साहब थे जीलानी साहब थे लोगों को जब काम करते हुए देखने का मौके मौक़ा मिला और मख्तलि मौक़ों पर इनसे मुलाकात होती थी सबसे और मेरी जो मसरूफियत रहती थी कॉलेज से हट के मैं समझता हूँ बस यही रहता था कि अखबार में किसी अखबार में किसी के साथ बात करें किसी अखबार में जाएँ उनसे बात करें तो आम तौर पर उम्र रसीदा लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था तो कुछ सीखने का मौक़ा मिलता था उसका असर मेरे पर पड़ा कि आज भी मैं के अपनी से ज़्यादा उम्र के लोगों से मिलता हूँ और नौजवान बच्चों से बात करता हूँ कि भाई क्या है कैसे हालात हैं क्या होने वाला है सहाफत की दर्जाइए क्या करना चाहिए मैं अपने नाखि तजुर्बा जो है अपनी नई नस्ल को देता हूँ कि भाई आप ये करिए आप ऐसा करिए क्योंकि मैं जो सीखा अपने बुज़ुर्गों से मैं उधर मुंतिल करने की कोशिश करता हूँ सभी अरे सब ये बताइए कि आमतौर से ये कहा जाता है कि उर्दू अखबार में जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हम आज़ादी के वक्त तो पैदा नहीं हुए थे आज़ादी के समझिए अब बीस पच्चीस साल के बाद के हालात से हम वाकिफ़ हैं लेकिन हम जो अखबार उस ज़माने के पढ़ते हैं जो देखते हैं सब सही है तो दो किस्म की सहाफ़त उसके अंदर वो सहाफ़त जो आप पच्चीस साल के बाद जो हमको देखने में मिली उससे पहले आज़ादी के वक्त जो सहाफत थी एक मकसद था सहाफ़त का रुझान साज साफत थी कि उनका काम ये था कि वो तहरी के आज़ादी में किस तरह से लोगों को शामिल करें और उसके फ़वाद बताएँ ग़ुलामी क्या है आज़ादी क्या है ये उर्दू अबारत का बुनियादी मकमय नज़र था उसकी वजह से मौलाना आज़ाद के अखबार हों या ज़मींदार हो या दूसरे इनके जो दूसरे इनके हैं अब मोहम्मद अली जौहर के जो जफ़र अली खान के जो भी अखबार तो आप जीतते हैं आप कौमी सतह पर जो आप देखेंगे तो उनका बुनियादी मकसद ये था कि आज़ादी का और अब उसके बाद जब आज़ादी का मकसद हासिल हो गया तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त का अंदाज़ भी बदल गया अब जो रुझान साथ सहापत थी वह अब रुझाना के ताबे होगी जो सियासी जमात हैं उसके साथ चलिए वो किसी सियासी जमात के खाइ से ताल्लुक़ हैं उनकी अच्छाई बुराई क्योंकि मशहूर बात है ना कि भाई आदमी किसी को चाहता तो क्या करता उसकी बुराइयों को भी अच्छाइयों के तौर पे पेश करता और अगर किसी से नफरत है या किसी का मखालिफ हो गया तो उसकी अच्छाइयों को भी बुराइयों के तौर पे पेश करता तो ये सहापत का मैार बन गया आज़ादी के वक्त सहाफत का मैार वह नहीं था अब होते होते अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जो बात कर रहे हैं कि फिर भी मैं समझता हूँ पच्चीस साल पहले तक कम अज़ कम ये था कि सहाफ़ी कोशिश करता था कि कुछ नई मैं ख़बर ले आऊं आऊँ कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर उनका ये कोशिश कोई तीफत है अरे भाई जाके कोई ऐसी चीज़ निकाल के लाओ जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ लोग पढ़ें अखबार के ख़ारी बढ़ें ये अगर ही रहता था मगर उसके बाद आप देखेंगे वो जो जिस तरह का रुझान था जो इन थे लोग कोशिश करते थे कि भाई अगर मेरी स्टोरी जारी है तो कम से कम लोग मेरे बारे में अच्छी राय कायम मगर अब वो चीज़ ख़त्म होगी पूरी तरह से तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि क्या हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जो है कोई जैसा करप्शन के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग या कोई जो है कि बैक्स के कोई बड़े बड़ी डील है उस डील में मिडल मैन के रोल के बारे में तो क्या हमारे सहाफ़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या इसकी वजह क्या हो सकती है बजाय साहब ये मौजू काफ़ी वसी है अगर हम इसके ऊपर गुफतु करें तो अंग्रेज़ी तेलगू और रिंजल लैंग्वेजेस पूरे अखबार देखेंगे उससे उर्दू अखबार में मुख्तलफ नहीं हैं और मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे 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 सहाफत का जो मामला हो गया जो सनत बन गई और जिस तरह से अब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सहाफ़त को कि अब देख रहे हैं कि उसका असर यकी उर्दू सहाफ़त पर भी पड़ा और ये है कि जो भी सहाफ़ी है पहले अखबार की मदीरान सहाफ़ियों को इस बात की पूरी आज़ादी देते थे कि वो जो भी अगर ऐसी रिपोर्ट ला रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो या कोई ऐसी चीज़ बेनकाब हो जिससे जो है वाकई समाज को फ़ायदा पहुंचता तो वो लोग कोई रुकावट पैदा नहीं करते थे देते थे और यह हर अखबार में था अंग्रेज़ी तेलगु सब पूरे अखबार में था उर्दू अखबार में भी था मगर सही है आप जैसा बता रहे हैं इन्वेस्टिगे जर्नलिज़म का उर्दू में उतना चलन नहीं था इस वास्ते कि हमारे वसाइल बड़े महदूद थे उनके जो वसायल थे लामहदूद थे पूरी तरह से तो उसके बाद वो लोग करते थे पूरी तरह और ज़्यादातर उर्दू अखबारों का इहिसार होता था आ, मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद मुनासिब नहीं हुई लेकिन इससे हकीक़त से भी इनकार नहीं कर सकते कि ज़्यादातर तर्जुमे की सहाफ़त तो होता ये था कि बस इतनी कोशिश होती थी एक छोटी ख़बर अंग्रेज़ी अखबार में आ गई तो अगर उर्दू अखबार में काम करने वाला साहफी बाशूर है अगर उसको दिलचस्पी है इन्वेस्टिगेटर जनलिस से तो वो छोटी ख़बर से वो एक बड़ी ख़बर बना सकता था ये उर्दू साहब के अंदर भी मुमकिन था ये सफ़ापरा मगर वो अब भी वो चीज़ भी ख़त्म हो गई पूरे क्योंकि आप बताएं कि हालात के हिसाब से माशी तौर पर भी जो हमें समझता है इसका असर पड़ा उस ज़माने में अंग्रेज़ी तेलगु अखबार में काम करने वाले साहफ़ी बोलते थे चलो भाई जो है वेज बोर्ड की जो है सिफ़ारिश हैं उस पर अमल होंगे वो तनख्वाहें मिलेंगी नहीं तो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती फलाँ होता ये बहुत उर्दू अखबार वाले बड़ी हसरत से अंग्रेज़ी तेलुगु अखबार को देखते थे भाई वेज बोर्ड की जो वो हैं वेजेस हैं वहाँ उन लोगों को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पास नहीं करते ये करते मगर आज आप तेलुगु अंग्रेज़ी पूरे अखबार को देख लेंगे आप सब प्राइवेटाइज हो गए पूरी तरह से कोई वेज बोर्ड नहीं कोई मामला नहीं पूरी तरह से उर्दू अखबार तो मालूम है कि वसायल उनके बड़े महदूद हैं तो पहले तो वो नहीं था तो और ज़्यादा वो हो गया इश्तहारत के भी रेट्स आप देखेंगे अंग्रेज़ी तेलगू के कि आप देखेंगे उर्दू के तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी आमदनी बड़ी महदूद होगी वसायल महदूद हो गए पूरी तरह से सर्कुलेशन भी इनका वो नहीं रहा जो पहले था और ख़ुद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग भी समझते कि किस अखबार में दिए तो हमारे को फ़ायदा पहुँचता तो ज़्यादातर आम तौर पे अंग्रेजी तेलुगु को रीजनल लैंग्वेज को तरज देते हैं अंग्रेजी अखबार को तरजीद देते हैं उर्दू अखबार में बस यूं ही जो देना है थोड़े से इश्तेहार आ जाते हैं आम तौर से अंग्रेजी अखबार के जो मुदीरान हैं वो जो है मालिक नहीं होते और अक्सर ये देखा गया है कि जो उर्दू अखबार के मालिक हैं वही मुदीर भी हैं जी तो इससे क्या अखबार की कारदगी पर क्या असर मरतब होते हैं ये जो आप बता रहे हैं पच्चीस तीस साल पहले की बात थी बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी अखबार के जो मुदीरान हैं कि वो जो है मालिकिन नहीं होते थे जो जर्नलिस्ट होता था उसको मुदीर बनाते थे सही है लेकिन आप देखेंगे कि आज के अंग्रेजी अखबार हो तेलुगु अखबार हो इलाकई अखबार होंलाई जमात जुबानों के अखबार हों वो सब बस सरमादारों के कंट्रोल में है मुदीर पैसे देके उसी को रखते जो उनके जहन की अक्कासी करता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेबाक साहफी को एडिटर बनाए कुछ ऐसा नहीं बल्कि वो जो उनके नज़रियात की तर्जुमा नहीं करता और उनके ख्याल की तर्जुमा नहीं करता उसको बनाते अब उर्दू अखबार में उर्दू अखबार के मैं बताए ना आपको पहले अखबार निकलते थे घरानों से भैया मुशीर दक्खन रहनुमाए दखन रह रहबर दन ये सब रही अब तेलुगु अगर उर्दू वाले भी तेलुगु वाले भी निकालते थे उर्दू अखबार तो एक मकसद था उनका पूरा उस जमाने में तो आपको मालूम कि हैदराबाद में रियासत हैदराबाद में वो भी नहीं था कि कुछ लिख सकते थे आज़ादी के मामले में जिस तरह के नॉर्थ के अखबार लिखते थे तो वो इधर के अखबार तो नहीं कर सकते थे पुलिस एक्शन के बाद सियासत आया समझिए उससे पहले रहबर दखन था व रहनु दखन हुआ तो बाद में दूसरे अखबार तो बंद हो गए पूरी तरह से तो ये आप देखेंगे कि आप अखबार चल रहे हैं पूरी तरह से मगर उन लोगों के जो है वसाइल बहुत महदूद हैं समझिए सब आपने सरकारी दावत पर लंदन और ईरान का दौरा किया है जी और आप हमें ये बताइए कि वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं जर्नलिस्ट हैं और हमारे यहाँ के रीजनल रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट हैं चाहे वो उर्दू तेलगू कोई भी अखबार के हों और लंदन या ईरान के जो सहाफ़ी हैं उनको आप कैसा मैार पर उतारेंगे हम हमारी जो उर्दू की जो सहाफ़ती मामला हैं उनका जो हमारे जर्नलिस्टों का जो मैार है तो क्या उनसे कमतर है उनके बराबर है या कम है नहीं आज देखिए सलाहियतों के हिसाब से कि हिंदुस्तान के सहाफ़ी अब बिलकसू उर्दू अखबार के सहाफ़ी इसमें कोई शक नहीं कि उनसे कम नहीं हैं, लेकिन आप देखेंगे उनको जो मौक़े हासिल हैं ये हमारे सहाफ़ियों उर्दू के सहाफ़ियों को हासिल नहीं है आप देखेंगे कि आप जो बता रही कि लंदन की बात करें लंदन यू के की बात हो या अमेरिका की बात हो या यूरोपीय कंट्रीज़ की बात हो तो वहाँ इसमें कोई शक नहीं कि पूरी आज़ादी है उनको लिख सकते हैं और सब कुछ जो जिस तरह से खुले तौर पर सही को सही ग़लत को ग़लत भी बोल सकते हैं पूरी तरह से मगर आप यहाँ हमारे पास देखेंगे आप ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान के दौरे का मुझे मौका मिला लेकिन यूँ समझो ईरान के बारे में भी वही है जो उर्दू सहाफ़त का मामला है इसलिए है कि ईरान के अंदर सहाफ़त है ज़रूर अगर आप कहने को कहिए कि भाई आज़ाद सहाफत का मामला लेकिन वहाँ भी वही लिखना पड़ता जो ईरान की अपनी पॉलिसी है आप देखिए हालिया अरसे में जमत तहरीक चल रही है तो आप देखेंगे कि बस एक लड़की की मौत के बाद जो हंगामा शुरू हुआ तीन सौ वो चल रहा है बिल्कुल जो भी है अब कौन सही है कौन गलत है अगर आप ईरान के अखबार को पढ़ेंगे आप तो ईरान के अखबार के अंदर बिल्कुल ये है कि वो जो भी हंगामा कर रहे हैं मालूम हो रहा है कि अमेरिका वगैरह इसके पीछे इसराइल पीछे हैं ये देखेंगे और बाहर पढ़ेंगे तो ह्यूमन राइट्स की बात होंगी पूरी तरह से दूसरे अखबार पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर आप बाहर से जो है तजिया दोनों अखबार को रख के करना पड़ेंगे आपको कि अभी क्या है पूरी तरह ये ह्यूमन राइट्स की बात सही है या ईरान वाले जो बोल रहे हैं बात वो सही है तो आप कोई देखेंगे कि मगर होता कि जो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं भाई ईरान का कोई अखबार तो लिख भी नहीं सकता ना ये बात तो महसूस है इसी तरह बाहर कोई उनके बारे में लिख रहे है इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ के, के हक़ के बारे में अंग्रेज़ी तेलुगु अखबार की जो बात है इससे आप इनकार नहीं कर सकती कई ऐसे मसाइल हैं आपके हमारे बिलखसूस उर्दू वालों के या अगर एक लफ्ज़ में आगे बढ़ के बोलूँ मुसलमानों के जो मसाइल हैं कि भाई कई मसाइल कई चीज़ें तो ऐसी ही आपको अंग्रेज़ी अखबार से पता चलता तेलुगु अखबार से पता पता चलता इलाकई जमात इलाकई जबानों के अखबार से पता चलता आपको नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है और लोग सारी चीज़ों के बावजूद कंट्रोल किसी का रही है कुछ भी रहे कुछ हद तक कोशिश करते किसी चीज़ों को बेनकाब करने की वहाँ से आप कैच करते उसको ऐसा नहीं है हमारे पास कोई अखबार जो है एक इशू को दे रहा है बाद में अंग्रेजी तेलुगु अखबार दे रहा है इसको वैसा नहीं है तो आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं समझिए जिसको आप तस्लीम करना पड़ता लेकिन लोग हैं कि हम हम मानना नहीं चाहते भाई जो भी है मसाइल आप देखिए बहुत सारे मसाले जो वाक़ होते आप जलाने का वाक़ हो खत वेदी का वाक़ हो लड़कियों के स्मत रेदी का वाक़ हो ये वाक़ तो बात जगह अंग्रेज़ी तेल वो उसमें हिंदी अखबार से आ जाते हैं ना आपको बाद में आपको पता चलता सब इसमें कोई शक नहीं सलाइयियों में मौजूद हैं लेकिन वसाइल नहीं हैं उनके पास वसाइल नहीं समझिए तो वो लोग दस चीज़ें अपनी देख नौ चीज़ें अपनी देख के एक चीज़ हमारी भी बता देती कि भाई ये हुआ तो उसी को हम कैच करके ज़रा खंगा में करते भाई ये हुआ बल्कि उर्दू जबान अदब और कल्चर के फरोग में उर्दू सहाफ़त का क्या उर्दू अखबार मैं समझता हूँ तीस चालीस या ज़ियादा ज़्यादा पचास फ़ीसद आप सियासी सरगर्मियों की ख़बरें रहती थी और पचास फ़ीसद में आप देखेंगे अदब नौजवानों के मसाइल ख़वातिन के मसाइल मुख्तलिफ शायरी कल्चर तहजीब तमादन उसके पर मजामी गजलियात नाजमें आप देखेंगे अफसानी एक अदबी सफ़ा होता था ख़वान का सफ़ा होता था और ऐसे सफ़ा चलते थे पूरी तरह से खबरों का जहाँ तक ताल्लुक़ था मैं समझता हूँ बहुत कम आबादी के कम पचास फ़ीसद आबादी को जो है साहब यानी सियासत से दिलचस्पी हुआ करती थी लेकिन आज आप देख रहे हैं कि नबे फ़ीसद सियासी खबरें होती हैं पूरी तरह से दस फ़ीसद में एक आद क्योंकि कोविड की वजह से भी जो हालत उर्दू सहाफत पे इसका असर पड़ा पूरे सहाफत पे पड़ा उर्दू सहाफ़त भी पड़ा तो जितने भी सप्लीमेंट्स आते थे एडिशंस आते थे वो सब बंद हो गए पूरी तरह से अब यह है कि मस माली मजबूरियाँ भी थीं वो मसला था तो वो नहीं हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब सारी चीज़ें आप, आप मोबाइल देख लीजिए आपका मोबाइल के अंदर भी सबसे पहले अब टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको लोग फौरी निकालते ख़बर देखते आज क्या हुआ फ़लां जगह क्या हुआ फ़लान जगह क्या हुआ और सियासी ख़बरें अब गुजरात के एलेक्शन आप देखेंगे वहाँ हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हुए अब दिल्ली के इलेक्शन होने वाले तो अब मालूम सबको यही लगी हुई है बस कुछ भी नहीं और उससे अदब से तहजीब से इसे कोई नहीं हालाँकि हैदराबाद में आज भी बाद लोगों की ख्वाहिश यह है कि भाई हैदराबाद की तहजीब से लोगों को वाकिफ़ करवाना नहीं नस्ल को जो कुछ भी है वैसे कोई ग्रुप उभर रहे हैं कि उनकी कोशिश यह है कि भाई हैदराबाद की तहजीब से ज़ुबान से यहाँ की रिवायत से यहाँ की रवादारी से यहाँ की कौमी यकजहती से लोगों को वाकिफ़ करवा सकें और एक काम मैं समझता हूँ छोटे पैमाने पर सही लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं पूरी तरह तकरीबन आपका पाँच दहों पर मुश्तमति जी कैरियर जी जी और इस दौरान आपने किन किन शख्सियात से मुलाकात की और किन किन के इंटरव्यूज़ लिए और ऐसी कोई ख़ास बात जो आपको मसाइल पेश आए शख्सियतों के इंटरव्यू के दौरान या आपके कैरियर के दौरान एक वाक़ मेरे को अच्छे से फौरी याद आ गया कि मेरे ख़्याल से 1984 की बात है आ, जब रामा राव तेलुगु देशम बरसार आई थी तो उसके बाद किसी ऑपरेशन के सिलसिले में अमेरिका गए थे आने से पहले उनके नारेला भास्कराओ उनका तख्ता उलट दिए उसके बाद आपको याद होगा, उसके बाद हैदराबाद में फसाद हुआ था बहुत बड़ा फसाद हुआ था तो यहाँ से लेके आपको मालूम है कि टाइम बंट तक दुकानें जलाई गई थी हंगामा हुआ सब हुआ तो उस जमाने में इंदिरा गांधी मैं समझता हूँ अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले अक्टूबर में सितंबर में ये गड़बड़ हुई थी अक्टूबर में वो आई थी तो राजभवन में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो राजभवन में बिल्कुल उस जमाने में सिक्योरिटी का इतना वो नहीं था मामला पूरी तरह से कि फिर भी राजभवन के जो है वो मैं समझता हूँ दरबार हाल में शायद वो जो हिस्सा है वहाँ उनका टेबल पड़ा हुआ था और जो है इधर सामने पूरे चेयर्स पड़े हुए थे साफ ही बैठे हुए थे सब तो उस ज़माने में मैं एक छोटा वो जो है टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करता था इंटरव्यू किया से सब रिकॉर्ड करने तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो मेरे बाजू बेचारे जबर भाई मरहूम और कोई हमारे साथियों सब बैठे हुए थे तो मैं क्या करा वो टेप रिकॉर्डर उठा के इंदिरा गांधी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करने मैं उनके टेबल पर ले जाकर उन्होंने अभी अंदर ही थे राजभवन में अभी आई नहीं थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं ले जाकर टेबल पर रख दिया मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतना हंगामा आप सब तो उसके साथ ही पूरी इंटेलिजेंस पूरे सब हंगामा खड़ा हो गया अरे अभी क्या कर क्या कर सब फिर वहाँ से उठे वो उठा के मेरे को तो मैंने समझा और उन सब हमारे साथी भी बोले अरे साहब सिक्योरिटी का मसला रहता ना कैसा हुआ तो मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी का वो फिर भी मैं अपनी जगह बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था समझिए तो एक यादगार वाक़ था उसके बाद और वैसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई और ख़ुशी हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुलाकात हुई पी नरसिम्हा राव साहब से, से मुलाकात हुई चंद्रशेखर साहब से मेरी मुलाकात हुई इन लोगों से जो पी वी नरसिम्मा राव साहब से जो दो मरतबे मुलाकात हुई और उस जमाने में मेरे को याद है उन्होंने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे मैं स्कूल का तालबिल था तो मेरे को स्टैम्प जमा करने का बड़ा शौक था अच्छा। तो मैं जो है मैं कांचगुड़ा स्कूल में पढ़ता था नाइन्थ या टेंथ में था तो पी वी नरसिम्हा राव आए थे तो पी वी नरसिम्हा राव आने के बाद जो है मैं मेरी बुक जो थी मैं उन पेश करा था कि उस पर तो वो किताब इस्टैम्प देखे तो उसके बाद उनके हाथ से लिखा यू हैव ए वेरी गुड गुड कलेक्शन बोल के नीचे पी वी राव साइंस वाजपेयी साहब के साथ जो है ये फसाद के बाद जब उन आए थे तो फिर उस्मानिया, उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को देख रहे थे तो मैं कुमुद भी नायक उस यानी पहले मेयर थी जब तो नहीं थी वो बीजेपी में थी वो वो और जो है मैं समझता हूँ दत्तात्रेय साहब तो याद है वो फोटो भी मेरे पास है उनके साथ भी मुलाकात हुई थी पी वी राव के साथ उनके घर पे दिल्ली में मुलाकात हुई अदीबों सिफियों सा, के साथ समझिए ये, तो ये रहा और बिल्कुल कई घरानों से कई ख़ानदानों से कई जमातों से मुलाकात थी अगर आप बात करेंगे तो मुकरम जहा से, से, से ले के से भी मेरी कई मरते मुलाकात हुई और प्रिंसेस दुर्रेशर से मुफ्खमजा से इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई समझो और ये देखता हूँ मैं कि नवाब मीर अहमद अली ख़ान साहब से लेके तीनों, चार पाँच चीफ मिनिस्टर हमारे पास के जो हैं अब आप देखेंगे के वाईस आर से भी ले के किरण कुमार रेड्डी से ले इनसे पूरे जितने नाड आपके एन जनाद रेड्डी अब ये फील्ड के अंदर लिखेंगे अब आबिद अली ख़ान साहब से लेकर अली ख़ान साहब से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात समझिए आपने काफ़ी अजीबों और शायरों के भी हाँ कोई दिलचस्प जो अली सिद्दीकी मरहूम की याद आती मैंने समझता कि हिंदुस्तान में कोई फिर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर सकता कि उस कानफ्रेंस में दुनिया के तमाम अदीब व शहर तो इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान के तमाम शुरा भाई कुमार बनखा बनखीवी से लेके आप देखेंगे मशहूर शायर खतल शिफाई तो पाकिस्तान से मुलाम अहमद अदीम खासमी से मुलाकात हुई फिल्म स्टार मोहम्मद अली ज़ेबा से मुलाकात हुई उनसे नाहिद अख्तर से मुलाकात हुई सबसे बढ़ के इकबाल बानू के जो प्रोग्राम था गजलियात का मैं उसको भूल नहीं सकता पूरी तरह से इसलिए कि सारी दुनिया के, के उर्दू अदीब शायर वो प्रगति मैदान में जमा थे जहाँ इकबाल बानू का प्रोग्राम होने वाला था इकबाल बानू जब आए आके अपने बैठे तो तमाम बड़े बड़े शोरा अदीब को मैं देखा आके नीचे बैठ गया सुनने के लिए इकबाल बानो कैफी आजिमी से जॉन एलिया से मैं समझता हूँ इन तमाम से जिन लोगों से मुलाकात हुई पूरी से पूरे हैदराबाद हिंदुस्तान के तमाम शोरा से आज का दौर डिजिटल दौर है और हर कोई जो है अपने फ़ोन पे अखबार रिसाइल पढ़ने का जो है आदि हो चुका है जी ऐसे में उर्दू अखबार की बखार के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है नहीं आप सही फरमा रहे हैं और मैं समझता हूँ बाद लोग उर्दू अखबार से यानी प्रिंट मीडिया से मायूस हैं बता रहे हैं कि अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कोई इसका मस्तबिल नहीं है मगर मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता इस बात से इतफाक़ नहीं करता कि आप जो मोबाइल पे इस पे डिजिटल उस पर जो भी ख़बरें देखते जो भी कुछ तस्वीर आती हैं जो कुछ भी पहन, एक वक्त पे आती हैं आके चले जाएंगी ठीक है नेट आ गया नेट पे आप पूरी मह, महफूज हो जाती है बाद में आप देख ले सकते हैं लेकिन प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिससे आप एक चीज़ आपके रिकॉर्ड रहता है आपका आप देखेंगे कि भाई एक चीज़ और एक चीज़ जो आप डिजिटल उसमें देखते दो जुमले चार जुमले पाँच जुमले आठ जुमलों की खबर रहती है प्रिंट मीडिया के अंदर आप तफसील से ख़बर आती है आप देखेंगे आप के अंदर वो तबसे इसके अंदर नहीं आते जो प्रिंट मीडिया में आ जाते पूरी तरह मजामी में तो उसका फ़र्क तो है आपको उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इतना हंगामा डिजिटल उसका है पूरा डिजिटल यानी मीडिया की वजह से ये हो रहा है पूरा मगर अब फिर भी देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया तो अपनी जगह क़ायम है जो नौजवान नसल है जो हमारे स्टूडेंट्स है जर्नलिज्म मास कम्यूनिकेशन के तो ऐसे तलबा जो अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि वो जर्नलिज़्मी फील्ड में कदम रखें तो ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे देखिए एक अच्छा पेशा है मैं कहूँगा सही बात तो यह है कि अगर करो एक मुकद्दस पेशा है अगर पेशे के साथ आप दियानदारी बरतें अगर दियानदारी के साथ पेशे में काम करें इसमें कोई शक नहीं मौजोद दौर एक माशी इन्हतात का दौर है लोग परेशान हैं पूरी तरह से रोज़गार के सिलसिले में आप जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं आज़ादी के वक्त आज़ादी के 25 साल के बाद हम भी जो काम करते थे आपको हैरत होंगी कि उस ज़माने मेरे को याद है सेवनटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं सेवनटीज़ एटीज़ के अंदर कि आम तौर पर पाँच सौ ज़्यादा ज़्यादा सात सौ रुपये सैलरी मिलती थी लोगों को अखबार की दुनिया में और वो सात सौ पाँच सौ रुपए में बहुत मुतमईन थे लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होता था और करप्शन का तस्वुर नहीं था और इतना बड़ा गुनाह समझा जाता था कोई भी साहफ़ी हो एक दूसरे से कद ले लेते ले थे, थे पाँच रुपए दस रुपये और पहली को ये देखिए दयानदार ये होती थी तनख्वाह मिलती लीजिए साहब आपके पाँच रुपए आपके दस रुपये इस तरह क्योंकि कोई करप्शन का वही नहीं था ना सब किसी से कोई पैसे लेना ख़बर छापना ये खत्ता ही नहीं था मामला बिल्कुल ख़बरें आती थी म्यार की बुनियाद पर ख़बरें छपती थी और उसका नतीजा था कि अखबार नबीस की इज्जत भी थी नहीं। नहीं। और अब नहीं है अब आम तौर पर आ रहे उसको मैं ख़रीद लेता हूँ ये मामला मैं उनसे बात कर लेता हूँ ये मैार अब ख़त्म हो गया यानी पूरे सहाफत का मीयार ख़त्म हो गया मैं उर्दू बा उर्दू की बात नहीं कर रहा उर्दू के साथ, साथ साथ सभी का वह मिला भैया बेहद शुक्रिया अजीज़ अहमद साहब आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ और मालूम फराहम किएँ नाजरीन ये थे जनाब अजीज़ अहमद साहब आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत आदाब